वेलकम टू आदित्य क्लासेस। आज मैं 12th क्लास के केमिस्ट्री के थर्ड चैप्टर जो कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है उसमें मोलर कंडक्टिविटी के बारे में बताने जा रहा हूँ कि मोलर कंडक्टिविटी होता क्या है और कैसे इसे कैलकुलेट करते हैं। ओके, तो सबसे पहले मैं चल रहा हूँ कि मोलर कंडक्टिविटी होता क्या। तो मोलर कंडक्टिविटी किसी इलेक्ट्रोलाइट का कंडक्टिविटी है जब उस इलेक्ट्रोलाइट का कंसंट्रेशन 1 mole per liter होता है, यानी कि कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट हैविंग कंसंट्रेशन 1 mole per liter इज कॉल्ड मोलर कंडक्टिविटी। ओके, तो डिफाइन इसको कर सकते हैं कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट व्हेन इट्स कंसंट्रेशन इज 1 mole per liter। ओके, तो मोलर कंडक्टिविटी हो गया जब कंसंट्रेशन जो हो कंसंट्रेशन वो 1 mole per liter हो। मोलर कंडक्टिविटी डिनोट करना हो तो ये लैम्डा एम से डिनोट किया जाता है। इट इज डिनोटेड बाय लैम्डा एम, मोलर कंडक्टिविटी। अब अगर मोलर कंडक्टिविटी को एक्सपेरिमेंटली समझना है तो देखिए, ये आपका ये जो है वो कंडक्टिविटी सेल है, ये पूरा का पूरा जो दिख रहा है वो कंडक्टिविटी सेल है। इसके बारे में हमने पिछले क्लास में भी बताया था कि कैसे कंडक्टिविटी को कैलकुलेट करते हैं, तो व्हीटस्टोन ब्रिज में इसी को यूज करते हैं कंडक्टिविटी सेल को। इस कंडक्टिविटी सेल में यहां पे इलेक्ट्रोलाइट भरा हुआ है और ये दो प्लेट है, इस दोनों प्लेट से वायर निकला हुआ है। तो यहां पे अगर इस इलेक्ट्रोलाइट का कंसंट्रेशन 1 mole per liter है तो जो भी इसकी कंडक्टिविटी आएगी वो इसका मोलर कंडक्टिविटी हो जाएगा। बट अगर इसके कंसंट्रेशन में चेंजिंग आ गया तो मोलर कंडक्टिविटी निकालने के लिए फिर फॉर्मूला यूज करना होगा। वो ये होगा कि मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू होता है कंडक्टिविटी को के कप्पा से डिनोट करते हैं बाय कंसंट्रेशन को सी से। तो अगर कंसंट्रेशन यहां 5 है तो उसके कंडक्टिविटी में 5 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा मोलर कंडक्टिविटी निकल जाएगा। इस तरह से किसी भी सॉल्यूशन का अगर कंडक्टिविटी और कंसंट्रेशन दिया हुआ है तो मोलर कंडक्टिविटी हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। यह मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला हुआ। इसमें क्या हुआ कि मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू मोलर, थोड़ा और पीछे चले आ रहा हूं, नहीं हटेगा उधर, मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू कंडक्टिविटी बाय कंसंट्रेशन। अगर कंसंट्रेशन कम होगा, सपोज कीजिए कंसंट्रेशन 1 mole ना होके हाफ होगा, तो उस समय की कंडक्टिविटी में यहां हाफ लिखेंगे तो ऊपर जाके 2 से इनटू हो करके अब मोलर कंडक्टिविटी डबल हो जाएगा। इस तरह से कंसंट्रेशन से कंडक्टिविटी में डिवाइड करके हम लोग क्या फाइंड आउट कर लेते हैं, मोलर कंडक्टिविटी। ओके, तो मोलर कंडक्टिविटी में इतना है। फिर नेक्स्ट स्लाइड में हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं आपको कि लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी क्या है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।